नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा सब्जेक्ट टैक्टिक्स में हमारा टॉपिक है द पास पॉन। यानी पास पॉन का मीनिंग यहाँ पर यह रहेगा कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि E6 स्क्वायर पे रखा हुआ पॉन वाइट का ब्लॉक्ड है, अगर उसको जगह मिल जाए तो वो आगे जाके क्वीन बन सकता है, जिसको हम पास पॉन कहते हैं। अब यहाँ पर आप जैसा कि देख रहे हैं, जो मेरी मेथड थी, फ्रॉम ए फाइल टू एच फाइल हम पीसीस की नंबरिंग करते थे, उसके बाद हम अटैक, कैप्चर, सेक्रीफाइस, फोर्स, इन चार में से किसी भी एक कॉम्बिनेशन का या एक से ज़्यादा कॉम्बिनेशन का यूज़ करते थे। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे बिशप कुछ नहीं कर सकता है, ये वाला रुक चलकर कुछ फ़ायदा नहीं है, तो यहाँ पर सॉल्यूशन है आर क्रॉस D6। ये मेरा अटैकिंग मूव था, कैप्चरिंग मूव था, प्लस मेरा सेक्रीफाइस मूव था। अब यहाँ पर ब्लैक खेलेगा क्यू क्रॉस D6। अब मेरे पास सिंपल मूव है जो कि है E7। नेक्स्ट मूव में आप देख सकते हैं कि ब्लैक मेरे पॉन को क्वीन बनने से नहीं रोक सकता, क्योंकि अगर वो किंग पास में लाएगा तो भी मेरे पास E8 स्क्वायर के ऊपर दो सपोर्ट है। और अगर यहाँ पर ब्लैक ने कुछ डिफेंसिव मूव्स खेलने की कोशिश करी, जैसे कि अगर यहाँ पर उसने Q D2 चेक दिया मुझे, तो अगेन मैं यहाँ पर RE2 खेल सकता हूँ। मेरे रुक को बिशप का सपोर्ट है, अब इस क्वीन को यहाँ से हटना होगा, और ऐसे केस में मैं यहाँ पर क्वीन को ज़िंदा कर सकता हूँ, तो जो मेरा पास पॉन है वो क्वीन बन सकता है। अब हम इसका सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे। इस सेकेंड एग्जाम्पल में भी वाइट टू प्ले है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि वन नंबर एंड टू नंबर, जैसा कि आप देख रहे हैं कि रुक का मेरे पास कोई भी मूव नहीं है, पॉन्स को चलकर भी फ़ायदा नहीं है, तो अब मैं यहाँ पर खेल रहा हूँ अटैकिंग मूव Q E5 चेक। अब यहाँ पर चेक है तो ब्लैक के पास काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल है, वो चाहे तो यहाँ पर F6 खेल सकता है, KG8 खेल सकता है, दोनों में से वो कोई भी ऑप्शन खेल सकता है। मान लीजिए उसने F6 खेला, तो अब मैं यहाँ पर, चूंकि जो C6 पे रखा हुआ मेरा मेरा पॉन है, उस पॉन को, मेरे पास पॉन को मैं आगे प्रमोट करने के लिए सेक्रीफाइस स्ट्रेटजी यूज़ करूँगा मैं टैक्टिक्स की, जो कि है Q×D6। कैप्चरिंग मूव प्लस सेक्रीफाइस मूव, ब्लैक यहाँ पर खेलेगा Q×D6, उसने मेरी क्वीन कैप्चर कर ली। अब मैं यहाँ पर खेलूँगा C7। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि ब्लैक की क्वीन उस पॉन को प्रमोट होने से नहीं रोक पाएगी, ना ही वो यहाँ पर वाइट को कोई चेक दे सकती है, और इस तरह से वाइट यहाँ पर पास पॉन को क्वीन बनाकर जीत जाएगा। तो ये था पास पॉन टॉपिक हमारा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।